तो ये भाई अपनी आज स्टोरी बताने जा रहे हैं लव लाइफ की। तो ये भाई कह रहे थे मुझे कि मेरी स्टोरी है, मैंने बोला आप रिकॉर्ड करवा दें। कहते हैं क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाएंगे, तो आप ये स्टोरी बताना स्टार्ट करेंगे। जी नहीं, मैं नहीं मानता जी। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पहले मैं पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज F73, पहली से चौथी तक मैं वहाँ पढ़ा। मेरे क्योंकि हालात सही नहीं थे, पढ़ाई में दिमाग ध्यान नहीं था, तो मुझे मेरे घर वालों ने उठा के प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। तो ये प्राइवेट स्कूल में जब पाँचवीं में आया जब मैंने वहाँ का माहौल देखा ना, तो मेरा दिल थोड़ा उभरा, दिल थोड़े मेरे आराम आया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मैंने यहाँ तो माहौल ठीक हो जाएगा इस तरह। फिर मेरे एक दिन रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे भेजा एक बोला कि जाओ इधर, मैं हमारी कज़न है तो उसको बुला लो। मैं गया जी, बड़े मज़े से तैयार हो के कंगी शंगी लगा के, वो क्रीम परफ्यूम लगा के, सीधा गैस मॉल बना के आ गए। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो यार जी। घर में आगे जी क्या, तो आगे एक आंटी आई। आंटी ने मुझे बड़ा इंटरेस्ट किया, बेटा अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। अब मैं उनके आगे ना बिना कर सकता था, तो मैंने कहा चलो जी। अंदर गया तो वहाँ एक मुझे बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी एक लड़की ने उतर, उसने ना मुझे बिठाया सोफे पे बिठाया, फिर मुझे आइसक्रीम ला के दे दी। मैं जी आइसक्रीम, मैं क्या मैं नहीं खाता। उसने यहाँ खा लो, उसने बड़ा इंसिस्ट किया खा लो, फिर मुझे लेके खानी ही पड़ी आइसक्रीम। तो खा गया मैं, मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे स्कूल में पढ़ती है। मैंने कहा चलो, मैं वहाँ से अपने रिलेटिव जो थे उनको लेके चला गया। और जब सुबह स्कूल आया तो देखूँ तो वही लड़की मेरे आगे खड़ी है। पहले वो मुझे देख के बड़ी अस्सी छत्ती भी मुझे कुरी शुरी कराई जी सेट हो। अब उसको माम सरकारी स्कूल के लोंडों को हरामी पर पता नहीं था कि हम उन लोंडेबाजी में कितने हरामी हैं। तो वो मेरे, हम मस्जिद ही पढ़ते थे ना, तो वो मेरे मस्जिद में भी आ गए। बहुत चंगा ना मैं, चलो मेरा दिल और खुश हो गया। मैंने कहा चलो सही है, मस्जिद पढ़ते रहे। तो एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद बंद हुई, बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये तो मेरे कुछ दोस्त थे हरामी इंसान, उन्होंने उसको कहा ये तुम्हें बोलता आई लव यू। और भाई मैं पैदल आ रहा था, वो लड़की मेरे पीछे भागी, आगे पता नहीं कीचड़ था क्या था, मैं चपली मेरी वहाँ फंस गई, मैं नंगे पैर भागना शुरू हो गया। फिर मैं नंगे पाँव भागूँ जब, तो जूतियाँ तो मेरी लेके चलेगी वो, नंगे पाँव में घर भी गया। मैंने बोला मैं जूती कोई जूतियाँ उठा के ले गया, जूतियाँ उठा के ले गया। फिर मैंने बोला, फिर मैं उसी गली में चला गया, उसने मेरा जूतियों से इस्तेमाल नहीं किया। फिर वो जूती मुझे लगी नहीं। फिर अगले दिन जब आई वो मुझे बहुत गुस्से से देखे। और इसी दिन को जो हमारे स्कूल के इलेक्शन हुए ना हेड गर्ल हेड बॉय के, तो मैंने उसकी साइड ली, मैंने उसकी सपोर्ट की, वो हेड गर्ल बन गई, हेड बॉय भी मेरी पसंद थी। वो इंशाल्लाह अल्लाह के खैर करम से हेड गर्ल तो बन गई, हेड बॉय भी मेरे पसंद का बन गया। जब मैंने अपनी यकियाँ स्टार्ट करनी शुरू की, मीटिंग होती रही। तो मीटिंग में पहले मैंने उसको तंग नहीं किया, जब मैंने बोला कि मेरे हाथ से गेम जा रही है, लड़के मेरे ज़्यादा और होशियार हो रहे थे, मैंने बोला चलो अब अपना जलवा दिखाना चाहिए जलवा। जैसी अगले दिन मीटिंग हुई ना पूरे दिन की, हेड बॉय तो मेरा संगी यार बेली था, अपने मोहल्ले का था, तो वो तो मुझे कुछ नहीं कहता था। हेड गर्ल जो थी ना उसको मैं बहुत तपता था। एक दिन इसी तरह मैंने उसको तंग किया ना, उसने मुझे तप्पे मुक्के मारे, छोटियों से ही मारे। खैर मैं उसको भागता गया हूँ बाथरूम में वॉशरूम आया था, वॉशरूम पीछे से ही उसने कुंडी लगा दी। मैं जी यकीन माने कि सुबह से ले के आखिरी देर तक बाथरूम में भाग, चाहता तो मैं रोशनदान पन्ने के भी बाहर चला जा सकता था। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए,
ऐसा नहीं कर, मैंने कहा उसको थोड़ा फील करो ना कि मैं इसकी प्यार मोहब्बत में कितना पागल हूँ। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फिर जब उसने दरवाजा खोला तो मेरा आगे से फिटा चेहरा देख के मैं हैरान हो गई कि भूखा बैठा हुआ था बाथरूम में। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आपका। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लिए 500 लाइक का एम रखता हूँ। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो इसके नीचे 500 लाइक का एम करें तो हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे इस वीडियो का। शुक्रिया गाइस, अल्लाह हाफिज़।